हेडलाइंस आपने जानी, मैं हूं सादिया सैमसन। अहम खबर देंगे आपको, बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत तवानाई सेक्टर पेट्रोलियम मसूआत की फरहमी को यकीनी बनाने और बिजली लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए हंगामी इजलास जारी है। इस पर मज़ीद भी बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी। तारिक चौधरी, बताइएगा अहम तरीन मामलात पर आज गौर किया जा रहा है और इस हवाले से मीटिंग भी होनी है, क्या बताया जा रहा है? आज सुबह अपने सरकारी मसरूसियात का आगाज जनरल शहबाज शरीफ साहब ने अहम तरीन ये जो सेक्टर है तवानाई सेक्टर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और उस पर जो सब्सिडीज वगैरह हैं इस पर इससे किया है। सबसे पहला इजलास जारी है जिसमें शाहद खजान अब्बासी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मुख्तार इस्माइल, पेट्रोलियम और खजाना के सेक्रेटरी और ओगरा के चेयरमैन जो हैं वो इजलास में मौजूद हैं। इजलास में प्राइम मिनिस्टर को जो बिजली की लोड शेडिंग है एक मतबर शुरू हो चुकी है, उस पर काबू पाने के लिए ब्रीफिंग दी जा रही है, तजावीज दी जा रही है। इसके अलावा पेट्रोलियम की कीमतों का जो उतार चढ़ाव है बैन अवी मार्केट में जो इस वक्त कीमतों में कमी हुई है, और उसके अलावा जो ओगरा का फार्मूला है कीमतों को तेजियम का, उसके हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। इसके अलावा जो बिजली की लोड शेडिंग के अलावा जो तवानाई के लीगल प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी आज ब्रीफिंग दी जा रही है और इम्कान है कि इस इजलास में आज अहम फैसले होंगे। जी बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी, इसकी तफसीलात आपने फराहम की।